पार्श्वचंद्रम पीस ऑफ माइंड पार्ट वन। यूं तसल्ली दे रहे हैं हम दिले बीमार को, जिस तरह थामे कोई गिरती हुई दीवार को। मन बड़ा चंचल है, मन ने संजोई हुई अपेक्षाएं, अगर जो पूर्ण हो जाती है तो मानव को बड़ी सुखानुभूति होती है, और जब अपेक्षाएं टूटती है तो मानव मन बड़ा व्यथित और पीड़ित हो जाता है। मनुष्य सदा अपनी इच्छा के मुताबिक होता रहे उसी आशा में रहता है। एक चिंतक ने कहा है कि लाइफ इज लाइक मैरी गो राउंड, जिंदगी एक हेंडोला जैसी है। इस जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव तो कभी धूप छाव, अप एंड डाउन आता ही रहता है। इस युग में इंस्टेंट की हवा चारों ओर फैली हुई है, सभी को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। किसी ने इंस्टेंट का अर्थ लगाया है कि स्टंट में बहुत बड़ा खतरा ही होता है। मानव को सफलता भी इंस्टेंट चाहिए, और अभी आपको महामारी रोग को भी जल्दी भगाना है ना। लेकिन यहाँ जरूरी ध्यान रखना यही है कि शॉर्टकट से कभी मंजिल नहीं मिलती। अतः आपने देखा ही होगा कि बांसुरी क्या चीज है। बांसुरी में छेद होते हैं। बांसुरी वादक जब अपनी अंगुलियां बांसुरी पे थमथमाता है, और उस समय वो अगर क्यूरियस अधीरा हो जाता है तो मन प्रिय मन भाव संगीत के सुरों को छेड़ नहीं सकता। सुर के साथ धैर्य और शांति का और साथ में ताल का संगम होता है, तब मन को मुस्कुरा दे ऐसा संगीत का सर्जन हो सकता है। अतः मन को समझाना बहुत ही जरूरी है। धीरे मनवा धीरे चलवा। आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि जब मन को समझाने का प्रयास होता है तब मन अधी और मचलने लगता है। मचलते हुए इस मन को, तूफानी इस मन को कैसे समझाया जाए? तो शास्त्रों में लिखा हुआ ही है और गुरुजनों से सुना है, परम कृपालु करुणा के सागर प्रभु की कृपा दिन और रात बरसती रहती है। बरसती हुई कृपा मचलते हुए मन को अगर मिल जाए तो मन बहुत बड़ा प्रसन्न प्रशांत और प्रसन्न हो जाता है। और जब मन की एक एक कली खिल जाती है तो माने शांति की बौछार छा जाती है। ओलंपिक में भाग लेने वाले बॉक्सर को कोई किसी पत्रकार ने पूछा कि बॉक्सिंग के लिए, बॉक्सिंग में विजय पाने के लिए सबसे अधिक किसकी जरूरत होती है। बॉक्सर ने कहा, शांति, एकमात्र शांति, सिर्फ शांति, क्योंकि शांति ही शक्ति का रक्षक है, शांति ही महामारी जैसे रोग का भक्षक है, शांति ही अपना जीवन है, शांति में परिवार का हास्य है, शांति ही समझ है, शांति ही अपने सब की खुशी है।
कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने 3 जोन की घोषणा कर दी है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। एक जोन के सामने रास्ते पे लगाया हुआ साइन बोर्ड को रखना जरूरी है, जिसमें स्टॉप लुक एंड गो लिखा हुआ हो। रेड जोन यही कह रहा है कि आप घर में ही रह जाएं, बाहर न निकलें, इधर उधर घूमे नहीं, बाहर का कुछ खाए पिए नहीं, सारा कुछ सब कुछ ही स्टॉप करके घर में ही स्टे करें। घर में स्टे करने से आपकी जान सही सलामत रहेगी। घर में ही रहकर आजू बाजू की, आपके एरिया की, आपके समाज की, आपके परिवार की, आपके देश की और अपने आप की परिस्थिति को देखकर आप आगे बढ़ते रहो। ए जॉन ने 5 टिप्स फॉर ए बेटर लाइफ के लिए दिया हुआ है, आप उसको सुने। फर्स्ट नंबर, लव योरसेल्फ। सेकंड नंबर, ऑलवेज फॉरगिव। नंबर 3, नंबर 3, हार्म नो वन। नंबर 4, बी फैमिलियर। नंबर 5, बी पॉजिटिव। लव योरसेल्फ माने आप अपने आप को ही प्यार करते रहे, क्योंकि अपनी जात से, अपनी जान से जो प्यार करता है वो जगत के सारे जीवों के साथ प्यार कर सकता है। ऑलवेज फॉरगिव माने अभी जो देश की परिस्थिति है, उस देश की परिस्थिति को देखकर आप अपने आप को संभालने का ही प्रयत्न करें और सब कुछ सारा ही भूल जाएं। हार्म नो वन माने आप किसी के दिल को क्षति ना पहुंचाएं, क्योंकि कभी एक क्षति दिल की जो है किसी की जीवन को क्षय कर देती है। अतः अभी तक आप जो मेंटालिटी बनाए रखे थे, उस मेंटालिटी को चेंज करने का इस मौके पर आप प्रयत्न करें। बी फैमिलियर, आज दिन तक आप बहुत दौड़े हैं, आज दिन तक दौड़ते ही रहे हैं, जिस परिवार के लिए दौड़े हैं, ए कोरोना वायरस ने आप इस परिवार के साथ में रहने का जब मौका दे दिया है, तो आप परिवार के साथ बहुत बड़े प्यार से, बहुत ही स्नेह से, शालीनता से और अपनत्व के भाव को लेकर हिलमिल के साथ में रहे, जिससे विषम परिस्थिति भी हल्की सी हो जाएगी। बी पॉजिटिव, आप सदा सकारात्मक चिंतनशील बने रहे। सकारात्मक हमेशा विजय दिलाता है। कोरोना पर हमको, आपको सभी को विजय पाना है, तो ये माने 5 टिप्स जो जॉन ने दी रखी है वो जीवन में स्वीकारेंगे तो हम, आप और हम सब, पूरा मेरा भारत जो महान देश है, वो भारत पूरा देश इस कोरोना पर विजय जरूर पाएगा, जरूर पाएगा। हम विजयी बनेंगे, हम विजयी बनेंगे, यही आशा के साथ। शिवमस्तु सर्व जगतः परहित निरतः भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोका। ओम शांति शांति शांति।